हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी पब्लिक स्कूल जोगीठे सिविगन बरेली में। आज हम लेकर प्रेजेंट हुए हैं क्लास टेंथ के गणित का चैप्टर नंबर 13 स्टैटिक्स, जिसे हिंदी में कहते हैं सांख्य की, और इसकी प्रश्नावली है 13.2। तो इस प्रश्नावली में हम माध्यिका ज्ञात कर रहे हैं, तो खंड दूसरा है लघु उत्तरीय प्रश्न और प्रश्न नंबर है 2। दिया है क्वेश्चन, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी कॉलोनी के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है, इन प्राप्त आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो यहां पर उपभोक्ताओं की टोटल जो संख्या है वो हमें पहले ही दे रखी है, कितनी है 68, या यहां पर हम n लिख सकते हैं या फिर सिग्मा f। तो यहां पर ये हमें टोटल 68 दे रखे हैं। कैसे माध्यिका को ज्ञात करना है, तो माध्यिका का जो सूत्र है वो होता है l प्लस का n बटा 2 माइनस का सी एफ बटे एफ। ये फार्मूला होता है माध्यिका ज्ञात करने का, किस तरह से इसे ज्ञात करना है, और साथ ही साथ एक एच और होता है जिसे हम कहते हैं क्लास इंटरवल, मींस बारंबार जो वर्ग अंतराल है उसका डिफरेंस। ये L क्या है, N बटा 2 क्या है, CF क्या है, और ये F क्या है और H क्या है, वो हम यहां पर टेबल में देखेंगे। तो सबसे पहले N, N ये हमें दे ही रखा है। अब CF, CF क्या है, इसे हम कहते हैं संचयी बारंबारता, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और सी एफ से प्रदर्शित करते हैं। कैसे ज्ञात की जाती है, जो पहला नंबर है इसे ऐसा का ऐसा ही रखना है, नेक्स्ट वाला नंबर जो है वो पहले वाले में ऐड कर देंगे। तो यहां पर 4 प्लस का 5 कितना आ जाएगा, ये 9। जो भी हमें यहां पर नंबर मिला है उसमें नेक्स्ट वाला नंबर ये 13 और ऐड करना है, तो 13 प्लस 9 ये हो गया 22। जो भी हमें यहां पर योगफल मिला है उसमें 20 नेक्स्ट वाला जो नंबर है वो फिर से ऐड करना है, तो ये मिल जाएगा 42। इसमें 14 फिर से जोड़ने हैं तो ये मिल जाएगा कितना 56। 56 में 8 और जोड़ने हैं तो ये मिल जाएगा 64। 64 में लास्ट में 4 ऐड करना है और ये हमें टोटल मिल गया 68। अब क्या करना है, सबसे पहले ये n बटा 2, हमने यहां पर CF तो निकाल लिया है, अब n बटे 2 इसका मान और निकालना है, तो वो अलग निकाल लेते हैं। n बटा 2, n की वैल्यू 68 है बटे 2, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 2 3 6 2 चौके 8, तो n बटा 2 का मान हमें यहां से मिल गया 34। अब ये जो 34 है वो तो यहां पर हमें पता लग गया कि यहां है, लेकिन इस संचयी बारंबारता में ढूंढते हैं कि ये 34वां जो नंबर है वो हमें कहां पर मिलेगा। तो यहां तक कुल कितने पद हो चुके हैं, 22, और इसके बाद जो अगले 20 पद हैं वो सारे के सारे इस वाले बारंबारता में यहां पर जुड़े हुए हैं, तो जो 34वां पद होगा वो इसी वर्ग अंतराल में आया हुआ है, तो इसे हमने अभी कवर कर लिया है। तो ये CF क्या होता है, जो भी इस जो माध्यक वर्ग है n बटा 2 34वां पद, ये कहलाता है इसके बारंबारता वाले पद का
फ्रीक्वेंसी मींस जो बारंबारता है वो कहलाएगी एफ, और इससे ठीक पहले वाले वर्ग की जो संचयी बारंबारता है इसे हम कहते हैं सी एफ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। बात करें एच की, तो एच इन दो जो वर्ग अंतराल हमें यहां पर दे रखा है इनमें निम्न वर्ग सीमा और उच्च वर्ग सीमा के बीच का कितना अंतर है वह एच होता है, और एल, एल होता है ये निम्न वर्ग सीमा। तो यहां पर हमें क्या क्या दे रखा है, एल का मान जो निम्न वर्ग सीमा है वो कितनी है 125, एन बटे दो का मान हमने निकाल लिया है कितना 34, एफ वो कितना है 20, सी एफ कितना है 22, और एच कितना है इन दोनों के बीच का अंतर वो है 20 का। तो सारे ही वैल्यू इस फार्मूले में रखते हैं, क्या मिलेगा यहां से, माध्यिका बराबर L, L का मान है 125 रख लिया, प्लस N बटा 2, इसका मान हमने 34 निकाला था, तो 34 माइनस सी एफ वो है 22 रख लिया, बटे F, F का मान है यहां पर 20, और गुणे H, H का मान भी यहां पर 20 ही है, तो 20 से ये 20 कैंसिल हो गए, आ गया 125 प्लस 34 में से 22 घटाएंगे ये मिलेगा 12 है, तो ये आ गया कितना 137। तो माध्यिका ज्ञात हो गई कितनी 137, और ये हमें किस में दे रखा था इकाइयों में, तो 137 इकाई, और यही इसका आंसर हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्या दे रखा है, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़ों को ज्ञात करता है, माध्यक आयु या माध्यिका परिकलित कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो, मींस 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए आयु और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए, ऐसे ही व्यक्तियों का बीमा होना है, पॉलिसी मिलनी है, तो वो हमको यहां पर इस तरह से दे रखा है। तो यहां हमें वर्ग अंतराल दिया हुआ नहीं है और वो हमें बनाना है, तो किस तरह से बनाएंगे, वर्ग अंतराल, तो 25 से कम, यहां पर हम अगर ध्यान से देखें तो सभी जगह इस तरह से 5-5 का अंतर दे रखा है, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, तो क्या करना है, सबका 5-5 से लेकर के डिफरेंस और हमें वर्ग अंतराल बनाना है, तो 20 से कम तक मतलब यहां से हमें बनाना है 15 से लेकर के 20 तक, जिनकी आयु 15 से 20 वर्ष रही हो, फिर अगला वर्ग अंतराल बनेगा 20 से 25 वर्ष, अगला बनेगा 25 से 30 वर्ष, अगला 30 से 35 वर्ष, और इससे अगला 35 से 40 वर्ष, 40 से 45 वर्ष, 45 से 50 वर्ष, 50 से 55 वर्ष, और लास्ट हो जाएगा 55 साल से लेकर के 60 साल तक। अब ये हमें पॉलिसी धारकों की संख्या वो टोटल दे रखी है, मींस 20 साल से जो जिनकी आयु कम है ऐसे पॉलिसी धारकों की संख्या कितनी है वो 2 है, तो यहां पर बारंबारता
जिसे हम एफ से डिनोट करते हैं वो हमें दे रखी है 2, ये तो 2 ही रहेगी। 25 वर्ष से जिसकी आयु कम है ऐसे सभी बीमा धारकों की संख्या कितनी है? 6 है, जिनमें ये जो 20 से कम थे 2, ये भी पहले से ही जुड़े हुए हैं, तो इनको क्या करना पड़ेगा? हमें कम करना है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 4। तो ऐसे पॉलिसी धारकों की संख्या हो गई टोटल 4, जिनकी आयु 20 से 25 वर्ष रही हो। इसी तरह से अगला वाला, इसमें ये 6 सारे के सारे जो यहां तक 6 हो गए थे बीमा धारक, वो कैसे हो गए हैं? जुड़ गए हैं, उनको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो इनके और इनके बीच का डिफरेंस कितने का है? यहां पर 18 का। तो टोटल कितने बीमा धारक हो गए? 18, जिनकी आयु 25 से 30 वर्ष के बीच है। इसी तरह से अगला हम निकालेंगे, तो यहां से 5 में से 4 गया 1, 4 में से 2 गया 1, अगली दो संख्याओं के बीच में कितने का अंतर है? 21। तो टोटल बीमा धारक हो गए 21। और अगला इसी तरह से निकालेंगे, तो इनके बीच का अंतर कितना है? 8 में से 5 गया 3, 7 में से 4 गया 3, टोटल कितने आ गए? 33। और अगला निकालेंगे यहां से, तो कितना मिलेगा? 9 में से 8 गया 1, 8 में से 7 गया 1, टोटल बीमा धारक 11 है। अगला जो अंतर है वो कितना मिलेगा? यहां पर 12 में से 9 गया 3, तो टोटल बीमा धारक 3 हो गए। अगला कितना इनके बीच का अंतर हो गया? 6, तो यहां पर 6 बीमा धारक। और लास्ट में इनके बीच का अंतर है 2, तो सबसे लास्ट में बीमा धारक हो गए 2। अब इन सभी का टोटल वो तो यही आना है, तो एन हमें पहले ही दे रखा है, कितने हैं? 100 हैं। तो सबसे पहले क्या निकालना है? एन बटे 2 का मान ज्ञात करना है, तो एन बटा 2, 2 से इसे भाग देंगे कितना आ जाएगा? 50। तो एन बटा 2 का मान हो गया 50। तो क्या करना है हमें? 50 ये ढूंढना है कि 50वां बीमा एजेंट, मतलब जिन जो पॉलिसी धारक है वो कहां पर है। तो यहां तक टोटल कितने हो गए हैं? 45 बीमा धारक हो गए हैं। जो 50वां बीमा धारक है वो किस में जुड़ा हुआ है? इस 78 वाले में जुड़ा हुआ है, मींस इस वाले वर्ग में 50वां बीमा धारक भी है। तो ये जो 33 है ये क्या हो गई यहां पर? एफ, एफ का मान हो गया 33। और इससे ठीक पहले वाले, ठीक पहले वाला वर्ग कौन सा है? ये वाला। इसकी जो संचयी बारंबारता है वो कहलाती है सीएफ। तो यहां पर 45 क्या हो गया? सीएफ। तो एफ की वैल्यू हो गई कितनी? 33। और सीएफ की वैल्यू कितनी हो गई? 45। और L, L कितना है? L इस वाले वर्ग में सबसे छोटा वाला, जो निम्न वर्ग सीमा है वो है L है। तो ये दे रखा है कितना? 35। साथ ही साथ H, H है इस वाले वर्ग में इन वर्ग अंतराल का अंतर, इन सीमाओं का अंतर कितना है? 5 का। तो ये 5, यहां से हमें माध्यिका ज्ञात करनी है। तो माध्यिका इसे ज्ञात किया जाता है L प्लस का N बटा 2 माइनस का CF बटे F गुणा H इस फार्मूले से। तो सारे के सारे मान रखने पर L का मान है यहां पर 35, 35 रख दिया, प्लस एन बटे 2 का मान हमने निकाला था 50, 50 रख देते हैं, माइनस सी एफ, सी एफ की वैल्यू है 45 बटे एफ, एफ है कितना यहां पर? 33 गुणा एच का मान कितना है?
5। सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, 35 ये ऐसा का ऐसा ही प्लस 50 में से 45 गए, कितने बचेंगे 5 ही बचेंगे, गुणा 5/33। तो ये मिल गया 35 प्लस, ये हो गया 5×5 25/33। तो 33 से 25 के लिए भाग दे देते हैं, तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, कितना बार चला जाएगा, लगभग 8 बार, 8 × 24, 8 × 24 = 26, ज्यादा हो जाएगा 7 बार जाएगा, लगभग 7 बार, तो 7×3 = 21, 7×3 = 21 और 2 हासिल के 23, कितना, यहां से 9 बचा, इधर 4, 4 में से 3 गया 1, तो 19 बचा हुआ है, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा लिया, कितना बार चला जाएगा, यहां से लगभग 5 बार, 5×3 = 15, 5×3 = 15 और 1 = 16 है, कितना बचेगा 5, और इधर बचे 8, 8 में से 6 गया 2, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लेना है, कितना बार चला जाएगा, फिर से इतना ही, तो ये 0.7575 आता रहेगा, तो इसे हम लिख सकते हैं कितना, 35 प्लस, दो अंकों तक लिखेंगे तो अगला नंबर आएगा 7, तो इसमें क्या करें, एक जोड़ दें, तो ये हमें मिल जाएगा 0.76, तो ये हो गया 0.76, तो यहां से माध्यिका क्या मिल जाएगी, माध्यिका बराबर 35 दशमलव, इनको जोड़ेंगे 35.76 और ये वर्ष, आंसर, माध्यक आयु ज्ञात करनी थी तो वो वर्ष में 35.676 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है 4, जिसमें कहा गया है कुछ लैंपों की संख्या यहां पर दे रखी है और उनके जीवन काल को घंटे में दे रखा है, तो और ये टेबल दे रखी है, तो इनके जीवन काल के माध्यक को हमें ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले यहां पर संचयी वारंबारता ये ज्ञात करना पड़ेगा, संचयी वारंबारता जिसे हम कहते हैं सीएफ, तो कैसे करेंगे, पहला जो नंबर है वो ऐसा का ऐसा ही, नेक्स्ट वाले को ऐड करना है, तो यहां पर 4 और 6 = 10, 5 और 1 = 6 और 1 हासिल का 7, 70 में क्या करना है, नेक्स्ट नंबर जोड़ना है, तो 70 और 60 कितने हो गए 130, 130 में 86 जोड़ना है, तो 0, 6, 6, 13 और 8, 21, तो 216 हो गया, 216 में 74 जोड़ने हैं, तो 4 और 6 = 10, हासिल का 1, 21 और 7 = 28 और 1 हासिल का 29, 290 में 62 जोड़ने हैं, तो 0 और 2 = 2 हो गए, और 29 + 6 कितने हो गए 35, 352, 352 में 48 जोड़ना है, तो ये आ जाएगा 400, तो टोटल हमें यहां पर मिल गया 400, एन का जो क्या है, एन का मान है, तो सबसे पहले एन बटा 2 निकाल लेते हैं, 400/2, 2 से इसे भाग करेंगे तो 2×2 = 4, तो ये हो गया कितना, एन बटे 2 का मान 200, अब ये 200 कहां पर आएंगे, कौन से में आएंगे, यहां तक 130 हो चुके हैं, तो 200 में जो संचयी वारंबारता है वो इस 216 में जुड़ गई है, जो किस में आएगी, इस चौथे वर्ग में है, तो इसे हमने कवर कर लिया है, ये इस वाले वर्ग की जो वारंबारता है ये कहलाएगी F, इससे ठीक पहले वाले वर्ग की जो संचयी वारंबारता है वो बन जाएगी CF, तो यहां से n बटा 2 का मान हमने निकाल ही लिया है, l का मान और f का मान, साथ ही साथ CF का मान और h का मान, ये हमें निकालना है, तो यहां से h कितना है 3000, सॉरी l है
3000, एफ कितना है 86, सी एफ कितना है 130 और एच कितना है, इनके बीच का अंतर कितना है 500। ये हो गया 500। वैल्यू रखेंगे इसके फार्मूला में, तो फार्मूला होता है माध्यिका या माध्यक बराबर एल प्लस का एन बटा दो माइनस का सी एफ बटा एफ और गुणा एच। सॉल्व करेंगे, एल का मान 3000 प्लस का एन बटा दो, ये हमने 200 निकाल लिया है, माइनस सी एफ कितना है 130 रख लिया, बटे में एफ, एफ की वैल्यू है 86 और एच का मान है 500। 3000 ऐसे कैसे ही 200 में से 130 जाएंगे, कितना बचेगा 70 गुणा 500 और ये 86। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, 3000 ऐसा का ऐसा ही, इसे काट लेते हैं, ये दो से यहां पर 2 35 70 और ये 2 43 86। तो पहले इनकी गुणा करा लेते हैं, 35 और 500 की गुणा, तो 5 और 35 की गुणा आ जाएगी, 5 5 25 और 5 3 15 और 2 17 मतलब 17500। 2 0 है तो 17500 हो गया। अब क्या करना है, 43 से इसे भाग देना है, तो 43 से भाग देना है 17500 के लिए, तो कितना बार चला जाएगा 4 चौके 16, तो 4 3 12 4 चौके 16 और 1 17 कितना बचा यहां पर 3, 0 उतार लिया। अगला 0 उतारने के लिए हमें 0 बार देना पड़ेगा, अगला 0 उतार लिया, कितना बार चला जाएगा 4 7 28, तो 7 बार ज्यादा हो जाएगा लगभग, तो 6 बार, 6 3 18, 6 4 24 और 1 25 कितना बचेगा, इधर से 2 यहां पर रह गया 9, 9 में से 5 गया, कितना बचेगा 4, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, कितना आ जाएगा लगभग बार जाएगा 9, तो इतना ही रहने देते हैं, 406.9 406.9, तो ये आ जाएगा 3406.9 और ये हमें दे रखा था घंटों में, तो ये इतना घंटे और यही इसकी माध्यिका हो गई। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में और कुछ क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।